हेलो दोस्तों, आज बात करूंगा नौशेरा की। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी पूरी फौज में और देश में मनाया जाता है एस नौशेरा डे। नौशेरा डे इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन भारतीय सेना ने बड़ी घमासान लड़ाई के बाद नौशेरा को कैप्चर किया था। 1947-48 में आपको पता है देश आजाद ही हुआ था और पाकिस्तान ने कबायली भेज के पूरे जम्मू और कश्मीर को फिजिकली ऑक्यूपेशन करने की कोशिश की थी। कश्मीर की बात हम कई बार कर चुके हैं कि किस प्रकार बारामूला कुपवाड़ा होते हुए श्रीनगर तक पाकिस्तानी फोर्सेस पहुंच गई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस पुंछ, रजौरी, झांगड़, नौशेरा, छंब, जौड़िया इस एरिया में भी कबायली और रेगुलर फोर्सेस जो है काफी आगे आ चुके थे। सिचुएशन बहुत खराब थी और जल करियप्पा अभी अभी लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। उन्होंने नॉमिनेट किया ब्रिगेडियर उस्मान को एज कमांडर 50 पैरा ब्रिगेड इस एरिया की प्रोटेक्शन के लिए और रिकैप्चर करने के लिए। ब्रिगेडियर उस्मान बहुत ही जबरदस्त इंसान थे। वो पैदा यूपी में हुए हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट बने वो सैंडर्स से। बहुत कम उम्र में उन्होंने स्टाफ कॉलेज किया क्वेटा से और जब देश आजाद हुआ उन्होंने बलूच रेजिमेंट की कमांड करी थी। तो पूरी की पूरी बलूच रेजिमेंट चलेगी पाकिस्तान में और इनके ऊपर बहुत प्रेशर आया कि आप पाकिस्तान में आ जाइए, आप बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं, आप यहां पर आर्मी चीफ बन सकते हैं पाकिस्तान आर्मी की। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान सच्चा देशभक्त था, उनकी मदरलैंड, उनकी मातृभूमि भारत थी, तो ही रिफ्यूज्ड टू गो टू पाकिस्तान एंड बड़ी कम उम्र में वो ब्रिगेडियर बने और उनको कहा जाता है नौशेरा का शेर, द लॉयन ऑफ नौशेरा। वो फिजिकली लीड करते थे अपने ट्रूप्स को और उनके बारे में इतना लिखा गया है इस लड़ाई के बारे में, खास तौर पे नौशेरा में किस प्रकार इंडियन आर्मी ने लेड बाय ब्रिगेडियर उस्मान इसको रिकैप्चर किया। और नायक जदुनाथ सिंह, फर्स्ट राजपूत जो बाद में बनी फोर गार्ड्स, वो इस लड़ाई में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए एंड उनको परमवीर चक्र दिया गया। तो ये पूरी की पूरी लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है और आज हम उन सबको याद करते हैं 6 फरवरी को, इसीलिए इसको बोलते हैं नौशेरा डे। ब्रिगेडियर उस्मान ने कसम खाई थी कि जब तक मैं झंगड़, नौशेरा, कोट ये इलाके कैप्चर नहीं कर लूंगा मैं बेड पर नहीं सोऊंगा। एज ए ब्रिगेड कमांडर वो चटाई पे सोते थे और 3 जुलाई 1948 को झांगड़ की लड़ाई में जब झांगड़ लेने वाले थे तब पाकिस्तानी आर्टिलरी शेलिंग में ब्रिगेडियर मोहम्मद शहीद वीर गति को प्राप्त हुए। ही वॉज किल्ड इन एक्शन। शायद आज तक 75 साल में सीनियर मोस्ट ऑफिसर टू डाई इन एक्शन, ये है ब्रिगेडियर उस्मान। तो आज का दिन 6 फरवरी का दिन हम याद करते हैं ब्रिगेडियर उस्मान को। और कमाल की बात क्या है कि जब इनका इनका फ्यूनरल हुआ, इनका फ्यूनरल, इनकी कब्र है जामिया मिलिया इस्लाम ओखला सिमेट्री में, पूरी की पूरी भारत की कैबिनेट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अटेंडेड हिज फ्यूनरल। पूरी की पूरी कैबिनेट वहां पर थी और ब्रिगेडियर उस्मान को उनकी जबरदस्त बहादुरी के लिए, जबरदस्त लीडरशिप के लिए, बहुत अच्छे इंसान थे, महावीर चक्र से सुशोभित किया गया। और 6 फरवरी कई यूनिट्स को बैटल ऑनर दिया गया जिन यूनिट्स ने नौशेरा, झंगड़, कोत इस इलाके में जबरदस्त बहादुरी का मुजाहरा किया। और उसमें से एक यूनिट थी मेरी यूनिट, सेकंड सेकंड पंजाब, जो कि बाद में बनी फर्स्ट गार्ड्स और आज है फर्स्ट गार्ड सेकंड पंजाब, जिस यूनिट में मैंने कमीशन लिया और मुझे फक्र है मैंने उस यूनिट को कमांड किया। सो नौशेरा डे अ ग्रेट डे ऑफ रिमेंबरिंग दोज हीरोज हु डाइड फाइटिंग फॉर कॉज, डाइड फाइटिंग फॉर मदर इंडिया। सो दोस्तों, 6 फरवरी नौशेरा डे, लेट्स रिमेंबर आर हीरोज लाइक नायक जदुनाथ एंड ब्रिगेडियर उस्मान, मोहम्मद उस्मान। थैंक यू। जय हिंद।